तो कुछ इस तरह से लग रही है, हमारी बाइक्स फुली लोडेड है और फ्यूल स्टेशन पे खड़े हैं सुबह सुबह। इधर सड़क पे पराठों की स्मेल आ रही है, मतलब लाइन से ढाबे ढाबे हैं। पिछली बार स्पीति गए थे इधर गए थे, उस समय सपना था कि इस बार बाइक पे आएंगे तो ऊपर से जाएंगे, और वो सपना पूरा कर लिया बिकॉज अब हम जा रहे हैं लद्दाख। 2 घंटे 40 मिनट के अंदर 243 किलोमीटर और अंबाला टप गए हम। अब आप लोग बताइए, पटियाला से कौन सी चीजों के बारे में आप जानते हैं और ऐसी कौन सी चीजें जो शाम को बहुत पाई जाती है क्योंकि अमृत की सोच तो कहीं और पहुंच गई है। आज शुरू होने वाला है एक नया चैनल, YouTube चैनल मिस्टर भुल्लर का, भुल्लर साहब चैनल का नाम ही भुल्लर साहब है। रॉय डोगरा डायनेस्टी, क्या सही स्टैचू है यार। वेलकम टू लखनपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। काल की हालचाल, कैसी मेरी वॉर्नर फैमिली। सो 4 o'clock इज द टाइम एंड 1st of June इज द डेट एंड यस टुडे मार्क्स द डेट जहां पे शुरू हो रहा है हमारा लेह लद्दाख का ट्रिप। मैं और अमृत होने वाले इस ट्रिप पे। तो हर बाइकर का ये सपना होता है, मेरा भी ये सपना था। स्पीति फर्स्ट था, सेकंड ले था, पिछले साल स्पीति गया था, इस साल ले जा रहे हैं। बाबा जी बस मेयर रखें, बढ़िया बढ़िया सब जाएँ, बढ़िया बढ़िया सब आएँ। क्लाइम करना, आज मैं पहली बार अपना ये जैकेट और ये लोअर आज पहली बार इसको पहनने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे होने वाला है, सारा ब्रेक इन मैं रस्ते में इकट्ठे करने वाला, लेकिन ना मैं पहनते से ही कंफर्टेबल हूँ इस हिसाब से, तो आई गेस अच्छा ही चलेगा। बट वॉट एवर इट इज, मिलते हैं रोड के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स एंड द टाइम इज, अब टाइम कहाँ चले गया पीछे है 4:34 और एक्चुअली मेरे को तैयार हुए बहुत देर हो गई है, अमृत की वेट कर रहा हूँ, तो फाइनली मैंने सोचा आप घर से निकल ही लेते हैं, देखी जाएगी जब आएगा तो मिल जाएगा। और भाई साहब बाइक है इस समय फुल लोडेड, मैंने ना इतनी लोडेड बाइक आज तक कभी नहीं चलाई, मज़ा आने वाला है। यहाँ से दिखा रहा है 11 घंटे 53 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 652 किलोमीटर्स टू गो। 4:30 बजे का टाइम दिखा रहा है हमारा पहुँचने का, लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ओडो को करता हूँ 0, ट्रिप भी मैंने कर दिया 0 और अमित इज हियर, इसने भी ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई है कल। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो कुछ इस तरह से लग रही है हमारी बाइक्स, फुली लोडेड है और फ्यूल स्टेशन पे खड़े हैं सुबह सुबह। क्या लग रही है, गुड। सो फ्यूलिंग डन और Now we are good to go। मौसम अभी भी ना मस्त ठंडा है और डे लाइट ब्रेक होना शुरू हो गई है, तो मुझे ये है कि धूप निकलने से पहले हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लें आज का। खैर वैसा हो तो नहीं पाएगा, सोचा था हमने 3:30 बजे निकलेंगे, 5 बज चुके, अब खींचते हैं, पहली ब्रेक लगाएंगे थोड़ा सा लंबा चल के। समय के मौसम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, मतलब हल्की हल्की सी धुंध नजर आ रही है इस समय सड़क के ऊपर। पता नहीं कैमरा में अच्छे से पता चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा इसमें, लेकिन टुडे इज 1st of June और पहली जून को ऐसा मौसम, ऑसम। तो अब आप ये अंदाजा लगाओ जिधर हम जा रहे हैं वहां पे क्या होने वाला है। व्हाइट चद्दर बिछी होगी हमारे लिए स्नो की। तो मूर्थल के ढाबों को क्रॉस करते हुए चले जा रहे हैं हम, यहाँ पे रुकने का भी कोई मूड नहीं है, मेरे को 6 बजे अभी सिर्फ। और सच बताऊँ अमृत और मैं अभी पीछे यही बात कर रहे थे कि ना सड़क पे पराठों की स्मेल आ रही है, मतलब लाइन से ढाबे ढाबे है और आलू के पराठों की स्मेल ना सड़क पे आ रही थी। अब देखो मेरे को लगा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, तो मैंने कन्फर्म करने के लिए अमृत से पूछा, तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें दिमाग से सोच के स्मेल आनी शुरू हो गई, इसका मतलब कि सच में स्मेल आ रही थी। So time is 7:08.
गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अरे बिल्कुल सर, लो लो वहाँ से ले थोड़ा सा, और बाइक वाइक पूरी ले भाई साहब पूरी। हाँ तो 40 किलोमीटर है अंबाला यहाँ से, और अभी तक मस्त स्पीड में आए हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स नॉन स्टॉप चल रहे हैं अभी तो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, ज़रूर जी, थैंक यू। धूप हो गई थी इतनी तेज़ ना कि अब मेरे को ना सनग्लासेस की ज़रूरत थी। बताऊँ बाइक से परफॉर्मिंग एब्सोल्यूटली अमेजिंग सो फार। 198 किलोमीटर डन फ्रॉम होम। So welcome to Ambala, my dear friends, and bye bye to Ambala. Chakki City Center on my right. पिछली बार स्पीति गए थे तो इधर गए थे, उस समय ये सपना था कि इस बार बाइक पे आएंगे तो ऊपर से जाएंगे, और वो सपना पूरा कर लिया, बिकॉज अब हम जा रहे हैं लद्दाख। ड्रीम्स डू कम ट्रू, बट व्हाट अ फीलिंग मैन, व्हाट अ फीलिंग। हम 5 बजे ऑलमोस्ट निकले थे और 7:40 हुए हैं, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर 243 किलोमीटर और अंबाला टप गए हम। स्पीड अच्छी रही है लेकिन ठीक है, हमने ओवर स्पीडिंग नहीं करी है, लेकिन जहां जगह मिलती थी, स्ट्रेच मिलता था, खींच भी लेते थे। तो पंजाब में आपका स्वागत है, और यहां से पटियाला पुलिस ने भी आपका स्वागत कर दिया है। अब आप लोग बताइए, पटियाला से कौन सी चीजों के बारे में आप जानते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो शाम को बहुत पाई जाती है? आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि अमृत की सोच तो कहीं और पहुंच गई है। पावर की तलाश हमें भटका रही है जगह जगह, इधर से उधर, उधर से इधर, किसी के पास पावर नहीं है। भैया पावर नहीं है क्या आपके पास भी? भाजी पावर नहीं है क्या? मिलता ही नहीं कितने थे, किधर? 2-3 किलोमीटर आगे। हाँ हाँ, अच्छा उधर ही है। तो हमारे को एक साथ में मिलने वाली 2 चीजें, भैया ने बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे दी कि 3 किलोमीटर में, 2-3 किलोमीटर में मैकडॉनल्ड्स भी है और उसी में पंप भी है बड्डा वाला। तो चलो यहाँ से करते हैं बाइक्स को भी रिफिल, और फिर करते हैं सामने से अपने आप को भी रिफिल। तो राजपुरा क्रॉस करके फ्यूलिंग अपने कर लिए, ऑपोजिट साइड पे आए थे KFC और मैकडी देखे, लेकिन हमारी पूरी की पूरी सारी तमन्नाओं में पानी फिरता हुआ, ये हमारे से ज़्यादा आलसी लोग हैं, अगले सोए हुए हैं, वो बोल रहे हैं 1 घंटे में खुलेगा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि चलते हैं कोई रोड साइड ढाबे पर रुकते हैं, फटाफट से कुछ खाते हैं और निकलते हैं। बारिश का मौसम बना हुआ बढ़िया वाला, फुल 2 बारिश का मौसम, मज़ा आने वाला है। तो हम अपना भूखा पेट लेके आए हैं दूसरे मैकडॉनल्ड्स की तरफ, और लग रहा है यहाँ पे भी सब कुछ अभी बंद ही है। गार्ड भैया से पूछ लेते हैं, भाजी कदों खुल लगा मैकडॉनल्ड्स? मैकडॉनल्ड्स खुला है? नहीं, कितने बजे खुलता है? 10:15। चल बेटा ढाबा ही आज हमारी किस्मत में। आज नहीं लगता सानू मैकडॉनल्ड। तो हमने अपनी तलाश को ना यहाँ पे आके थोड़ा सा पॉज मार देना है। हम जाएंगे किसी ढाबे पे, आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे और परौंठे खाएंगे, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा अब कहीं पे भैया कुछ भी। तो एक नूर वैष्णो ढाबा, अब हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी मैकडॉनल्ड्स और KFC की। आज शुरू होने वाला एक नया चैनल, यूट्यूब चैनल मिस्टर भुल्लर का, भुल्लर साहब, चैनल का नाम ही भुल्लर साहब है, तो सब्सक्राइब कर लेना भैया फटाफट से, क्योंकि आज यहीं पे बैठ के उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा चैनल का। पहला वीडियो यहीं से रिकॉर्ड होना शुरू हो रहा है, खैर रिकॉर्ड हमने मैकडॉनल्ड्स पे पहला एक क्लिप किया था, लेकिन मिस्टर भुल्लर के हेलमेट में कैमरा का सेटअप यहाँ बैठ के करेंगे हम। मौसम ना इतना सही साथ दे रहा है ना इस समय तक तो, और अभी बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई ऐसा लग रहा है मेरे को। सो ब्रेकफास्ट डन, और आराम से 1 घंटा ना तसल्ली से बैठे हम। मैंने इसे मंगाई थी ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो, और इसने ब्लैक कॉफ़ी के अंदर ना चीनी डाल के दे दिया मेरे को। बट वॉट एवर सेड एंड डन, फूड वॉज अमेजिंग। हमने आलू के पराठे खाए, हमने गोभी के भी पराठे खाए, दाल मखनी भी खाई, एवरीथिंग वॉज बढ़िया, सब लपेट दिया।
और यहाँ से खींचने की तैयारी है। सो गई है स्विच और अमृत है अब वर्सेस पे और मैं चला रहा हूँ Z900। कल इसकी सीट हमने चेंज कराया, ये खजानची से इसमें कुशनिंग लगवाई है और उसके बाद से ना सीट अब लकड़ी की काठी तो नहीं रही। तो मुकेरिया पहुंच गया और यहाँ पे ना नारियल पानी लपेटा जा रहा है। पहले हमने देखा इसको बोला इतना छोटा सा नारियल, लेकिन क्या चिल्ड है, मतलब जबरदस्त चिल्ड। और मुकेरिया हैपेंस टू बी हमारे पुलर साहब का पिंड, एंसेस्ट्रल पिंड, दादे का पिंड, दादे का पिंड, साडा पिंड, अपना पिंड है। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना हमारी लैंग्वेज चेंज होगी, हम रोमिंग में आ गए ना तो असी पंजाबी बोलने लग पे, आप हिंदी बोलनी नहीं, पर असी हरियाणा चो पंजाब से आए हैं, हम असी पंजाबी से गल करेंगे। महाराजा गुलाब सिंह 1792 to 1857, रॉयल डोगरा डायनेस्टी, क्या सही स्टैचू है यार, सुपर्ब। लखनपुर, वेलकम टू लखनपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस इज वेयर वी एंटर JNK। आज के दिन में हमने चार बॉर्डर क्रॉस किए, पहला फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर, मतलब हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर, फिर दोबारा से दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उसके बाद पंजाब का बॉर्डर क्रॉस किया हरियाणा से, और अब पंजाब से हमने JNK में एंट्री ली है, और फाइनली हमने ये बहुत सारे रीटेक्स के बाद में ये वाला पोल ही दिया। सो वेलकम टू उधमपुर की गलियां, जो कि हमें गूगल नपवा रहा है हर जगह से, मतलब गूगल का ये कहना होता है कि जिस शहर में जाओ उसके बारे में जानो तो सही, हर गली घुमाता गूगल, पता नहीं कहाँ से देखे जा रहा है। सो फाइनली दिस इज अ होटल फॉर टुडे, होटल डॉल्फिन, और बाइक की पार्किंग बढ़िया सी है। हाँ, हरदीप जी ने और हिमांशु जी ने दोनों ने इसको रिकमेंड किया था, और हरदीप जी ने हमारी बुकिंग्स भी कराई यहाँ की। तो अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है, और भूख लग गई है मस्त वाली, बिकॉज हमें रास्ते में कहीं पर कुछ नहीं मिला, तो अब चलते हैं कुछ खाते हैं। दिस इज आवर रूम फॉर टुडे 305, और सही बताऊँ तो रूम माड़ा नहीं है। अभी पहले रूम देख लो, फिर मैं इसके पैसे बताऊँगा, फिर आप बताना। बढ़िया साफ बेड है, एयर कंडीशनर है, टीवी है, लगेज स्पेस, ओके, एंड दिस इज द वॉशरूम, एकदम मस्त गीजर वीजर लग के सब क्लीन क्लियर वॉशरूम है। और इसकी USP सुनोगे, इसका खाना है ज़बरदस्त, मतलब रिकमेंडेशंस भी तगड़ी वाली रिकमेंडेशंस है। और रेंट पता कितना है, 2600 समथिंग का रेंट है, और डिस्काउंट करके 2120 रुपये का, तो स्टील ऑफ अ डील। हम तो चाहते हैं हमारे को रोज़ ऐसे कमरे मिल जाए, हमारा ट्रिप सक्सेसफुल। बट व्हाटएवर इट इज, ज़बरदस्त राइड थी, 650 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज आज के दिन में हमने चलाई है, और टाइम है 4:35 पे हम चेक इन कर चुके हैं, और लंच अब मंगाया हुआ है, आने वाला लंच करते हैं, और वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फैमिली। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की आचार्य राम राखा।